मुख्यमंत्री के वचन पत्र को याद दिलाने के लिए अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि लंबे समय से न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने चुनाव से पूर्व अपने वचन पत्र में कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 90 दिन के अंदर गुरुजी के तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसी वचन को याद दिलाने के लिए अतिथि संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तेंदुखेड़ा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे प्रदेश के नेतृत्व राजगढ़ जिले के जाबाज साथी जगदीश शास्त्री के आवाहन पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने ये प्रण ठाना है कि भोपाल की धरती में एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि आने वाला भविष्य भी याद करेगा। अतिथि शिक्षक पिछले 10-12 वर्षों से बहुत ही परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अतिथि शिक्षकों के पेट में लात मारी है और हमारा भविष्य खराब किया है। तो हम लोगों ने भी दृढ़ संकल्पित होकर विधानसभा के चुनाव में मामा श्री को भी रसातल पहुंचा दिया गया। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरकर सरकार का भरपूर जोर से विरोध करेंगे। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा या उग्र रहेगा? जैसा कि हमारे नेतृत्व के अनुसार विधानसभा चुनाव के पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारी पीड़ा को समझा था और उन्होंने अपने कांग्रेस के मैनोफेस्टो में हमारी मांग को शामिल किया और 12 नवंबर 2018 को माननीय कमलनाथ जी ने PC कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की थी मंच से कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से गुरुजी की तर्ज पर हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। और उन्होंने अपने मैनोफेस्टो वचन पत्र में बिंदु क्रमांक 47.23 और 16.47 में उल्लेख किया है कि अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित करेंगे। इसी आशा को लेकर हम सभी लोग सीहोर जिलों से उस वचन पत्र को याद दिलाने के लिए माननीय कमलनाथ जी के यहाँ तिरंगा न्याय यात्रा के रूप में सीहोर से चलकर पैदल शाहजहानी पार्क पहुँच रहे हैं। और यदि इसके बावजूद भी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यदि कमलनाथ जी ने हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं दिया तो हम फिर कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे।